वेलकम ऑल ऑफ़ यू। मैं स्वप्निल स्वागत करता हूँ आप सभी का इस ब्यूटीफुल प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है कीप लर्निंग। तो देखिए, हमने एक सीरीज शुरू की है जो कि एच सी वर्मा सर की बुक है, कॉन्सेप्ट्स ऑफ फिजिक्स वॉल्यूम 1 एंड वॉल्यूम 2। इन बुक में के जो सारे क्वेश्चंस हैं, एक्सरसाइज क्वेश्चंस हो गए, ऑब्जेक्टिव्स हो गए, शॉर्ट आंसर्स हो गए, मैं स्टेप बाय स्टेप, लेक्चर बाय लेक्चर आपको सॉल्यूशंस प्रोवाइड करूँगा। तो इस सीरीज़ का ये लेक्चर नंबर 2 है जिसमें हम ऑब्जेक्टिव 1 पढ़ेंगे। अगर आपके पास एच सी वर्मा सर की बुक अवेलेबल है तो सामने रख दीजिए, पीडीएफ फॉर्म में अगर आपके पास है तो भी चलेगा, कंप्यूटर, लैपटॉप, टैब, मोबाइल पे ऑन करके साइड में रख दीजिए और साथ साथ क्वेश्चन को रीड करें जब मैं आपको सॉल्यूशन दूंगा तब, ठीक है। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, क्या क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स कैनॉट एंटर इनटू द लिस्ट ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज इन एनी सिस्टम ऑफ यूनिट्स। तो देखो, यहाँ पे सिर्फ इन तीनों सेट के बारे में ही चर्चा हो रही है, ना कि फंडामेंटल क्वांटिटीज़ जो कि आपने पढ़ी है, 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़, उस पे बेस ये क्वेश्चन तो है, पर उन फंडामेंटल क्वांटिटीज़ को हमें थोड़ा साइड में रख के इन तीनों के बारे में डिस्कस करना है। अब सवाल ये है कि इन तीनों चारों में से कौन सा ऐसा सेट है जो फंडामेंटल क्वांटिटी इनमें एंटर नहीं करेगा, कैनॉट एंटर इनटू द लिस्ट ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज इन एनी सिस्टम ऑफ यूनिट, ठीक है। तो देखिए, फंडामेंटल क्वांटिटीज क्या होती है, जो एक दूसरे के ऊपर निर्भर नहीं है, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल टाइम अगर ले लेता हो तो वो इस पर डिपेंड करता है कि नहीं, वो खुद एक इंडिपेंडेंट है, उसे हम दूसरे फंडामेंटल फॉर्म में नहीं लिख सकते। तो देखो, यहाँ पे क्या होता है, वेलोसिटी लेंथ पे डिपेंड तो कर रहा है, पर मास किस पर डिपेंड करता है, क्या ना ही वेलोसिटी पे कर रहा है ना ही लेंथ पे कर रहा है, तो ये तो नहीं होगा। बी देखते हैं, यहाँ पे वेलोसिटी लेंथ के साथ भी डिपेंड करता है और टाइम के साथ भी डिपेंड करता है, ठीक है, तो ये तो हो सकता है, साइड में रख लो। यहाँ पे देखो, वेलोसिटी मास पे डिपेंड नहीं करता है, टाइम पे कर लेता है। यहाँ पे देख लो, ना ही लेंथ टाइम पे डिपेंड करती है और ना ही लेंथ मास पे डिपेंड करती है, ना ही मास टाइम पे डिपेंड करता है, ना ही मास लेंथ पे डिपेंड करता है, तो ये भी नहीं हुआ। राइट आंसर क्या होगा, बी इज योर राइट आंसर, क्योंकि वेलोसिटी जो है ना ये इन दोनों वैल्यू पे डिपेंड कर रहा है, यानी इस सेट के लिए ये वेलोसिटी एक डिराइव क्वांटिटी हो गई है, ठीक है। फंडामेंटल क्वांटिटी का सेट तो ये नहीं हुआ है, ठीक है ना, तो ये क्या है, एक डिराइव क्वांटिटी हो गई इस तीनों, इन दोनों के वजह से, इन दोनों को फंडामेंटल क्वांटिटी एक यूज़ करके हम वेलोसिटी को क्या कर रहे हैं, एक डिराइव क्वांटिटी मेंशन कर रहे हैं, और हमें वही सेट हमें फाइंड करना है कि जो सेट कैन नॉट एंटर इनटू द लिस्ट ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज़ इन एनी सिस्टम ऑफ यूनिट्स, ठीक है। तो जवाब आपका होगा बी, लेंथ टाइम एंड वेलोसिटी, लेंथ टाइम एंड वेलोसिटी। देखो, समझ आया। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 2 को पढ़ना शुरू कीजिए, तब तक मैं क्या करता हूँ, लिख देता हूँ, क्योंकि हर एक के पास बुक हो कंपलसरी तो है नहीं, या किसी के पास कोई पीडीएफ अवेलेबल हो तो लिखना ही बेटर होगा, फील भी आता है हम सवाल कर रहे हैं, बोर्ड का यही मजा है। अ फिजिकल क्वांटिटीज इज मेजर्ड एंड द रिजल्ट is expressed
as NU, where U is the unit used and N is the numerical value. If the result is expressed in various units, then option A, size of U, option B, indirectly proportional to U square, option C, under root U, और option D आएगा. क्वेश्चन को दो बार पढ़ो, क्वेश्चन की लैंग्वेज समझने की कोशिश करो कि क्वेश्चन कह क्या रहा है. ठीक है, फिजिकल क्वांटिटी इज मेजर्ड एंड द रिजल्ट इज एक्सप्रेस इन द एन एंड यू. इसका मतलब क्या होता है कि एक कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है, मान लो कोई भी फिजिकल क्वांटिटी, स्पेलिंग चेक कर लेना आप. ओके, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी को अगर हमें रिप्रेजेंट करना है तो हमें दो चीज़ों की रिक्वायरमेंट है, एक तो यूनिट और एक न्यूमेरिकल वैल्यू. ठीक है ना, न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट. फॉर एग्जांपल मैं फोर्स को फिजिकल क्वांटिटी मान लेता हूँ. ठीक है, फोर्स इज क्या है, एक क्या फिजिकल क्वांटिटी है. ठीक है, अगर फोर्स 5 न्यूटन, ऐसे अगर मैं 5 न्यूटन का फोर्स लूट रहा हूँ कि 5 न्यूटन का फोर्स मैं किसी बॉडी पे अप्लाई कर रहा हूँ, तो 5 क्या होगा, एक न्यूमेरिकल वैल्यू है सिंपली, और न्यूटन क्या है, वो उसका यूनिट है. ठीक है ना, तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए, बताने के लिए हमें एक न्यूमेरिकल वैल्यू होनी ज़रूरी है और साथ ही क्या होना चाहिए, उसका यूनिट भी होना चाहिए. सिर्फ 5 बोल दो तो क्या 5, फोर्स लगा 5 लगा, क्या 5, दुकान गया शक्कर खरीदने 3 लाया, क्या लाया भाई, 3 केजी ना, 3 किलो, 2 किलो, 5 किलो, 6 किलो, 10 किलो. दुकान गया गेहूँ लाने के लिए, 40 गेहूँ लाया, अब 40 क्या, 40 कंकड़ लाया क्या, नहीं ना, 40 हमें बताना पड़ेगा कि नहीं, कि 40 केजी, 40 किलो लाया, 50 किलो लाया, 100 किलो लाया. तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी रिप्रेजेंट करते समय न्यूमेरिकल वैल्यू और उसका यूनिट होना ज़रूरी होता है. अब हमें यही पूछा है इसमें, इफ़ द रिजल्ट इज एक्सप्रेस इन द वेरियस यूनिट्स देन, तो रिजल्ट को किस तरह एक्सप्रेस करेंगे. देखो, अगर मैं आपको बताओ कि 1 केजी इक्वल टू 1000 ग्राम होता है. ठीक है, 1 केजी इज इक्वल टू 1000 ग्राम. 1 केजी को हम 1000 ग्राम ले सकते हैं, 1000 ग्राम को 1 केजी लिख सकते हैं, यानी हो क्या, एक कांस्टेंट वैल्यू. यानी हम ऐसे भी सकते हैं कि एन इंटू यू क्या होता है, एक कांस्टेंट वैल्यू. ठीक है, एक क्या है, कांस्टेंट वैल्यू, वो चेंज नहीं होगी. अब यहाँ पे ये रहा N1, ये रहा U1, ये रहा N2, ये रहा U2. ठीक है, अब यहाँ पे यूनिट जो है U1 वो बड़ा है U2 से. ठीक है ना, केजी बड़ा है, ग्राम क्या है, छोटा यूनिट है, और N1 छोटा है, N2 बड़ा है, 1 और यहाँ पे 1000. न्यूमेरिकल वैल्यू क्या है, यहाँ पे छोटी है. अगर U1 यानी यूनिट जिसका बड़ा होता है, न्यूमेरिकल वैल्यू उसकी कम होती है. इन दोनों इक्वेशन से मैं क्या साबित करना चाह रहा हूँ,
कि जिसका यूनिट बड़ा है उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू छोटी है, जिसका यूनिट बड़ा है उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू छोटी है, और जिसकी न्यूमेरिकल वैल्यू बड़ी है उसका यूनिट छोटा है। देखो यहाँ पे इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू बड़ी है तो यूनिट छोटा है, इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू छोटी है तो इसका यूनिट बड़ा है। तो इससे मैं क्या साबित कर सकता हूँ कि एन जो है अगर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है यू के साथ, यानी न्यूमेरिकल वैल्यू बड़ी तो यूनिट क्या होगा, छोटा होगा, और या वाइस वर्सा भी कह सकते हैं, यूनिट बड़ा तो न्यूमेरिकल वैल्यू छोटी। डी इज़ योर राइट आंसर, ठीक है ना। और यहाँ से भी हम कह सकते हैं कि एन इंटू यू कॉन्स्टेंट, तो यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/n। पर इस थ्रू क्या हो रहा है, एक फील आ रहा है, ठीक है ना, वो फील इम्पॉर्टेंट है फिजिक्स में। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ना शुरू करो, एक दो बार पढ़ लो, आधा सवाल तो वही मिल जाएगा। यही एक इस बुक की एक खास बात है कि आप सवाल को दो दो तीन तीन बार पढ़ लो, आपको किस तरह अप्रोच करना है वो अप्रोच वहीं पे पता चल जाएगा कि नहीं इस वे से अगर जाए तो इसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। सपोज अ क्वांटिटी एक्स कैन बी डायमेंशनली रिप्रेजेंट इन टर्म्स ऑफ एम एल एंड टी दैट इज एक्स इज इक्वल टू देन क्वांटिटी मास ऑप्शन दिया है कैन ऑल्सो बी डायमेंशनली रिप्रेजेंट इन टर्म्स ऑफ एल टी एक्स, कैन ऑलवेज बी डायमेंशनली रिप्रेजेंट इन टर्म्स ऑफ एल टी एंड एक्स। कैन नेवर बी डायमेंशनली रिप्रेजेंटेड इन टर्म्स ऑफ एल टी एंड एक्स, मे बी रिप्रेजेंटेड इन टर्म्स ऑफ एल टी एंड एक्स इफ ए इज इक्वल टू 0, वो लास्ट ऑप्शन है, सिमिलर है, सिर्फ यहाँ लिखा है इफ ए इज नॉट इक्वल टू 0। क्वेश्चन को पढ़ो, क्वेश्चन हमें कह रहा है कि सपोज
क्वान्टिटी एक्स कैन बी डायमेंशनली रिप्रेजेंट इन टर्म्स ऑफ एम एल एंड टी, दैट इज एक्स इज इक्वल टू एम रेस्ट टू द पावर ए, एल रेस्ट टू द पावर बी, टी रेस्ट टू द पावर सी, देन द क्वान्टिटी ऑफ मासिस। देखो एक्स का डायमेंशन किस तरह रिप्रेजेंट किया है, एम का पावर ए, एल का पावर बी, टी का पावर सी। तो हमें क्वेश्चन, सवाल ये है कि देन क्वांटिटी मास को क्या हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं एलटीएक्स के फॉर्म में, तो ज़रूर कर सकते। देखो ज़रूर कर सकते कि अगर मास को हमें रिप्रेजेंट करना है तो हम क्या करेंगे, एक्स डिवाइडेड बाय एल रेस्ट टू पावर बी, टी रेस्ट टू पावर सी, यानी एक्स ये हो जाएगा माइनस पावर दोनों। इस तरह हम मास को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है ना। इस तरह हम क्या कर सकते हैं, मास को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कैन ऑलवेज बी डायमेंशनली रिप्रेजेंट इन टर्म्स ऑफ एल डी एक्स, ऑलवेज बी कैन नेवर बी डायमेंशनली रिप्रेजेंट इन टर्म्स ऑफ एल टी, तो ये तो होगा ही नहीं। मे बी रिप्रेजेंट इन टर्म्स ऑफ एल टी एंड एक्स इफ ए इज इक्वल टू जीरो, अगर ए की वैल्यू ज़ीरो हो गई, ए की वैल्यू ज़ीरो हो गई तो कितना आएगा, एम रेस्ट इज इक्वल टू जीरो, तो वन आएगा, तो हम इसे रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, तो ये भी गलत है। कैन ऑलवेज बी डायमेंशन रिप्रेजेंट इन टर्म्स ऑफ एल टी एंड एक्स, ज़रूरी नहीं है, ये भी नहीं होगा, ठीक है। तो बचा ये क्यों, क्योंकि अगर एल की वैल्यू ज़ीरो नहीं हुई तो हम इसे इस टर्म में लिख सकते हैं, और वही हमें क्या है पूछा गया है कि इसे देन क्वांटिटी ऑफ मास को हम एल टी एंड एक्स में रिप्रेजेंट कर सकते हैं या नहीं, ठीक है। कब, जब ज़ीरो नहीं होगा तब, यानी ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, समझ आ रहा है यहाँ तक। ऑप्शन, अब क्वेश्चन फोर, क्वेश्चन फोर लिखो। अब अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी ऑप्शन ए नेवर हैज यूनिट, ऑप्शन बी है ऑलवेज हैज यूनिट, ऑप्शन सी कह रहा है मे हैव यूनिट, और ऑप्शन डी क्या कह रहा है, डज नॉट एग्जिस्ट। सवाल को पढ़ो एक बार फिर से कि अ डायमेंशन लेस क्वांटिटी, ऐसी क्वांटिटी जिसे डायमेंशन नहीं है, डायमेंशन नहीं है, तो क्या नेवर हैज यूनिट, क्या उसे यूनिट भी नहीं होगा, ऑलवेज हैव यूनिट, क्या उसे यूनिट हमेशा होगा, मे हैव यूनिट, और डज नॉट एग्जिस्ट, और डज नॉट एग्जिस्ट। तो देखिए सबसे पहले हमें पता है कि जो एंगल होता है, यानी थीटा को हम एंगल के साथ रिप्रेजेंट करते हैं, वो क्या है, एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी है। क्या है, डायमेंशनलेस, इसे डायमेंशन नहीं होता है पर इसे यूनिट होता है। क्या है इसका यूनिट, क्या है, रेडियन है, ठीक है ना। ये तो हमने ट्रिग्नोमेट्री में लेक्चर फर्स्ट में पढ़ा है, ठीक है, मतलब जो मैंने 11 12th के लिए नीट जेई के लिए जो प्लेलिस्ट लॉन्च की है उसमें बेसिक मैथमेटिक्स जो चैप्टर वन है उसका पहला ही लेक्चर है ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर, जहाँ पे मैंने आपको बताया कि जो एंगल होता है वो डायमेंशन लेस होता है, किस तरह होता है, और उसे यूनिट होता है रेडियंट। और दूसरा साइन थीटा एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो भी डायमेंशन लेस ही है, इसे भी डायमेंशन क्या होता है, नहीं होता है,
डायमेंशन लेस क्वांटिटी है, इसे डायमेंशन नहीं होता है। ठीक है, अगर मैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में बात करूँ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, सी बाई वी, सी यानी वेलोसिटी ऑफ लाइट, वेलोसिटी ऑफ यू कैन से दैट ऑब्जेक्ट। ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इन दोनों का यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड। ये डायमेंशन लेस तो है ही, पर इन्हें यूनिट भी नहीं होता, यानी यूनिट लेस भी है। तो हमने इस क्वांटिटी में क्या पढ़ा है कि डायमेंशन लेस अगर हो तो उसे यूनिट होता है, और इस केस में डायमेंशन लेस अगर हो तो यूनिट लेस भी होता है। तो ज़रूरी नहीं है कि अगर डायमेंशन लेस हो तो वो यूनिट लेस भी हो, ये भी बात ज़रूरी नहीं है कि डायमेंशन लेस हो तो यूनिट लेस भी होगा, यानी यूनिट होगा ही होगा, ये भी नहीं है। डज नॉट एग्जिस्ट, ये भी नहीं है, एग्जिस्ट तो कर रहे हैं कि डायमेंशन लेस भी है यूनिट है, डायमेंशन लेस भी है यूनिट लेस भी है, एग्जिस्ट भी कर रहे हैं, तो ये भी नहीं होगा। बचा क्या, मे हैव अ यूनिट, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। ठीक है, ये रहा क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, यूनिटलेस क्वांटिटी, क्वेश्चन नंबर 5 यूनिटलेस क्वांटिटी। अगर क्वांटिटी यूनिटलेस है, देखो मैं क्वेश्चन नंबर 5 को लिखने की जगह इसी के साथ प्रूफ कर लेता हूँ, यहाँ पे साइड में लिख लेता हूँ, क्योंकि सिमिलर क्वेश्चन है, थोड़ा सा इसको इन्वर्स करके या रिवर्स करके पूछा है। यूनिटलेस क्वांटिटी, और ऑप्शन दिया है, नेवर हैज अ नॉन जीरो डायमेंशन, बी कह रहा है ऑलवेज हैव अ नॉन जीरो डायमेंशन, सी कह रहा है मे हैव अ नॉन जीरो डायमेंशन, और डी कह रहा है डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, यूनिटलेस क्वांटिटी। अगर क्वांटिटी यूनिटलेस है तो वो डायमेंशन लेस भी होगी, क्योंकि डायमेंशन किस पे डिपेंड करता है, यूनिट पे ही डिपेंड करता है ना, कि यूनिट को ही हम डायमेंशन के फॉर्म में लिख सकते हैं। अगर यूनिट ही नहीं है तो डायमेंशन कहाँ से आएगा, आएगा क्या डायमेंशन, बिल्कुल भी नहीं आएगा। तो नेवर हैज़ अ नॉन ज़ीरो डायमेंशन, नेवर हैज़ यूनिटलेस क्वांटिटी, उसको नॉन ज़ीरो डायमेंशन, यानी इसका ही मतलब यह है कि उसे डायमेंशन नहीं होगा। लैंग्वेज को देखो आप, नेवर हैज़ अ नॉन ज़ीरो डायमेंशन, यानी नॉन ज़ीरो नहीं, यानी कोई उसको डायमेंशन नहीं होगा। यूनिटलेस क्वांटिटी नेवर हैज़ अ नॉन ज़ीरो डायमेंशन, थोड़ा सा लैंग्वेज का उसमें चेंज किया है, बाकी यही आंसर है, नेवर हैज़ अ नॉन ज़ीरो डायमेंशन, एग्जिस्ट ही नहीं करेगा उसका डायमेंशन अगर यूनिटलेस हुआ तो। ठीक है।
लास्ट सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, थोड़ा इंटीग्रेशन पे डिपेंड करता है। अब यहाँ पे आपको थोड़ा इंटीग्रेशन की जानकारी अगर हो तो बहुत अच्छा, अगर नहीं है आपको इंटीग्रेशन का पता तो आप इंटीग्रेशन का एक वीडियो लेक्चर अवेलेबल है बेसिक्स ऑफ मैथ चैप्टर नंबर 1 में, वहाँ से आप इंटीग्रेशन के बारे में थोड़ा पढ़ लो, वो वीडियो लेक्चर देख लो तो थोड़ा इजी हो जाएगा। और या फिर मैं एक फार्मूला बता देता हूँ इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करते वक्त, वो फार्मूला लिख लो साइड में कि ये आंसर कहाँ से आया है। ठीक है, लास्ट सवाल है 6 नंबर, इंटीग्रेशन ऑफ वन अपॉन अंडर रूट 2ax माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए रेज़ टू द पावर एन साइन इनवर्स एक्स बाय ए माइनस वन। ठीक है, द वैल्यू ऑफ एन इज, एन की वैल्यू पूछा, यानी द वैल्यू ऑफ एन इज, द वैल्यू ऑफ एन इज 0 माइनस 1, सी ऑप्शन दिया है 1 और डी ऑप्शन दिया है नन ऑफ दिस। लगाओ दिमाग क्या होगा। देखो इंटीग्रेशन को सॉल्व करते हमें क्या करना है, इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करना है, इसकी इक्वालेंट लाना है, एल एच इज इक्वल टू आर एच एस करना है, बाकी तो वो क्वेश्चन ही खुद उठ के जवाब दे देगा कि ले भाई ये है जवाब। ठीक है, इंटीग्रेशन को सॉल्व करो, अंडर रूट 2x² माइनस x². ठीक है, हमें इसको किस किस इक्विवेलेंट लाना है, इसके इक्विवेलेंट लाना है, एल एच एस इक्वल टू आर एच एस करना है। तो इसको मैं थोड़ा डिफरेंट करके लिखता हूँ, थोड़ा सॉल्व करके लिखता हूँ ताकि आगे आसानी जाए। तो क्या मैं इसे ए स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर माइनस 2ax, अगर मैं इसे ऐसा लिखूं तो क्या कुछ प्रॉब्लम है। ठीक है, क्या कुछ आपको ऐसा कुछ प्रॉब्लम है यहाँ पे, अगर मैं इसे क्या, मैंने क्या किया, बस ए स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर को इसमें इंट्रोड्यूस किया, ए स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर तो कैंसिल हो जाएगा, बचा क्या एक्स स्क्वेयर माइनस 2ax, अब ये माइनस अगर अंदर जाएगा तो यही मिलेगा, सॉल्व करके देखो, इसे सॉल्व करके देखो आपको यही मिलेगा। मैंने कुछ नहीं किया, ए स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर को इसमें इंट्रोड्यूस किया ताकि थोड़ा सा बैलेंस कर सको इस इक्वेशन को। ठीक है, अब देखो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं क्या ले सकता हूँ, ए माइनस एक्स का स्क्वायर। ठीक है, ए माइनस एक्स का स्क्वायर इस तरह ले सकता हूँ, क्या ये बात समझ आ रही है आपको। और इसी को साइन इनवर्स एक्स माइनस ए बाय ए, इसका ये फॉर्म, इसी को सॉल्व करने के बाद, इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करने के बाद आपको क्या मिलेगा, ये एक स्टैंडर्ड फार्मूला है, आपको याद होना चाहिए, आप इसे एक बॉक्स में साइड में लिख सकते हो कि नहीं ये फार्मूला है। और देखो ज़रूरी तो नहीं है कि a माइनस एक्स ही लिखा जाए, x माइनस ए भी लिख सकता हूँ मैं। ठीक है ना, x माइनस ए भी लिख सकता हूँ, तो ये फार्मूला आएगा। अब ये फार्मूला इसके इक्विवेलेंट कब होगा, यही तो हमें जानना है कि कब होगा। मैंने अगर एल एच एस इक्वल टू आर एच एस लगाया, अब देखो n की वैल्यू अगर मैं 0 पुट करता हूँ तो ए रेस्ट ऑफ n कितना आएगा, 0,
ए रेस्ट टू द पावर 0 कितना आएगा, 1 आएगा। अगर मैं इसमें 1 पुट करता हूँ तो एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस हो जाएगा, ये आपका आंसर। यानी एन इज इक्वल टू कितना होना चाहिए, वैल्यू ऑफ एन इज इक्वल टू 0 होनी चाहिए। तो यहाँ पे होता है ऑब्जेक्टिव 1 ख़त्म। अगले लेक्चर में हम ऑब्जेक्टिव 2 पढ़ेंगे, एस सी वर्मा सर की किताब का ऑब्जेक्टिव 2 सॉल्व करेंगे। उसी तरह हर रोज़ मैं एक वीडियो लेक्चर आपके लिए लाता रहूँगा। आई होप आपको डाउट नहीं होगा, अच्छी तरह समझ आया होगा। अगर नहीं भी आता है, कमेंट बॉक्स खुला है, बेझिझक कमेंट में आपको जो बोलना है बोल सकते हो टॉपिक रिलेटेड। ठीक है, थैंक यू सो मच। होप वीडियो आपको पसंद आया, लाइक भी कर दो और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। और मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।